मैं सुनील कुमार प्रजापति रसायन विज्ञान का फर्स्ट लेसन सॉलिड स्टेट के बारे में बताऊंगा। देखिएगा, हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में नाइन्थ क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है। जैसे एग्जांपल के लिए माना कि हमने एक डस्टर लिया, अगर हम इसको कहीं पर भी रख दें, कहीं पर भी रखें, ये डस्टर स्थान हर जगह उतना ही घेरेगा और इसका जो साइज है, इसको कहीं भी रखें, इसका साइज भी हमेशा निश्चित रहेगा। अब देखिएगा, कक्षा 12 में हमें अगला टॉपिक ठोस अवस्था के बारे में पढ़ना है कि ज्यामिति के आधार पर ठोसों के प्रकार। देखिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइप ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री। देखिएगा, ठोस अवस्था में जो ज्यामिति के आधार पर ठोस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है क्रिस्टली ठोस, और दूसरा होता है, देखिएगा, जो ज्यामिति के आधार पर ठोस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है क्रिस्टली ठोस, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। दूसरा होता है अक्रिस्टली ठोस, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एमॉर्फस सॉलिड। अक्रिस्टली ठोस, अक्रिस्टली ठोस, देखिएगा, हमें इसमें क्रिस्टली और अक्रिस्टली ठोसों में डिफरेंस जानना है। उसके लिए मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखिएगा, इसकी मैं एक टेबल बना रहा हूं। एक साइड में मैंने लिखा है गुण, दूसरी साइड में लिखा है क्रिस्टली ठोस, और एक कलम बनाया है अक्रिस्टली ठोस। अक्रिस्टली ठोस, अब इसमें पहला गुण इसका है ज्यामिति। देखिएगा, जो क्रिस्टली ठोस होते हैं इनकी जो ज्यामिति होती है वो निश्चित होती है, और जो अक्रिस्टली ठोस होते हैं इनकी जो ज्यामिति होती है वो अनिश्चित होती है। तो पहले मैं इसको लिख दे रहा हूं, अनिश्चित होती है। मतलब क्रिस्टली जो ठोस होते हैं उनकी ज्योमेट्री जो होती है वो निश्चित होती है, और जो अक्रिस्टली ठोस होते हैं उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो अनिश्चित होती है। इसको मैं इस तरीके से तुम्हें वो समझाऊंगा। जैसे कि मैंने इसमें एक एग्जांपल लिया NaCl का, सोडियम क्लोराइड। इसकी मैं संरचना बनाऊंगा, देखिएगा, इसमें Na+Cl-, देखिएगा, ये सोडियम क्लोराइड की संरचना बनी हुई। इससे हमें समझना है कि जो क्रिस्टली ठोस होते हैं इनकी ज्योमेट्री जो होती है वो निश्चित होती है। इसको किस तरीके से समझेंगे ये हमें जानना है। देखिएगा, इसमें क्या है कि यहाँ पर जो सोडियम आयन दिया गया है, इसके चारों तरफ क्लोरीन आयन है। जैसे कि यहाँ पर हम इस सोडियम आयन को देखते हैं, तो इसके एक तरफ यहाँ देखिएगा Cl है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है। मतलब कि यहाँ पर जो सोडियम आयन जितने भी दिए गए हैं इनके चारों तरफ क्लोराइड आयन है, और जो क्लोरीन दिया गया है, जो क्लोराइड आयन दिया गया है, इसके चारों तरफ सोडियम आयन। तो इससे हमें क्लियर होता है कि जो क्रिस्टली ठोस होते हैं इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो निश्चित होती है, और जो अक्रिस्टली ठोस होते हैं इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक अनिश्चित प्रकार से अरेंज होते हैं। तो यहां पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अनिश्चित प्रकार से इस तरीके से अरेंज होते हैं, इसलिए जो अक्रिस्टली ठोस होते हैं इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो अनिश्चित होती है। अब इसका दूसरा गुण है, देखिएगा, दूसरा गुण हम बताएंगे, अब इसका दूसरा गुण है जो वो है गलनांक
व क्वथनांक। देखिएगा हमने क्रिस्टली ठोस के बारे में जाना है कि इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो निश्चित होती है, इसलिए जो इनका गलनांक व जो क्वथनांक होता है वो एक निश्चित टेम्परेचर पर होता है। ये निश्चित टेम्परेचर पर ही पिघलते हैं और निश्चित टेम्परेचर पर ही बॉयल होते हैं। और जो आकृष्टली ठोस होते हैं इनका जो गलनांक व क्वथनांक होता है वो निश्चित नहीं होते हैं। इनका क्या होता है कि ये तापमान के परास में धीरे धीरे पिघलते हैं। जैसे कि माना कि एग्जाम्पल के लिए एक मैं प्लास्टिक का टुकड़ा लूं और उसको धीरे उसको गर्म करूं तो वो क्या होता है धीरे धीरे पिघलता है। इसलिए जो आकृष्टली ठोस होते हैं इनका जो गलनांक क्वथनांक जो होता है वो अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो मैं अब इसकी जो अगली प्रॉपर्टी है तीसरा है वो है इसका विदलन गुण। अगला है इसका विदलन गुण। देखिए विदलन गुण का मतलब होता है कि जैसे कि माना कि क्रिस्टली ठोस दिया गया, क्रिस्टली ठोस जो होते हैं इनको अगर हम किसी तेज धारदार वाले औजार से काटते हैं तो इसमें एक चिकनी स्पाट सतह में स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है। इसलिए कहा जाता है कि जो क्रिस्टली ठोस होते हैं इसमें जो विदलन होता है वो स्पष्ट विदलन होता है, क्योंकि इसे अगर हम तेज धार वाले औजार से काटते हैं तो इसमें एक चिकनी सतह बन जाती है। और जो आकृष्टली ठोस होते हैं अगर हम इसको काटते हैं तो इसमें एक खुरदरी सतह प्राप्त होती है। इसलिए कहा जाता है जो आकृष्टली ठोस होते हैं इसमें अस्पष्ट विदलन बनता है। ये तीसरी प्रॉपर्टी थी। अगली प्रॉपर्टी देखिए हम देखते हैं नंबर चार पर अगली प्रॉपर्टी है प्रकृति। प्रकृति के बेस पर हमें देखना है कि क्रिस्टली ठोस अक्रिस्टली ठोस कैसे होते हैं। प्रकृति के बेस पर जो क्रिस्टली ठोस होते हैं ये वास्तविक होते हैं, मतलब कि यहाँ पर इनकी निश्चित ज्योमेट्री है तो ये वास्तविक ठोस होंगे, इनकी ज्योमेट्री हर तरीके से निश्चित होगी। और जो अक्रिस्टली ठोस होते हैं इनकी जो नेचर होती है वो आभासी होती है, इनकी जो नेचर होगी वो वास्तविक होती है। और जो अक्रिस्टली ठोस होते हैं वो आभासी ठोस होते हैं, आभासी ठोस होते हैं। ये चौथी प्रॉपर्टी है। अब इसकी पांचवी प्रॉपर्टी है कणों की व्यवस्था के आधार पर। नंबर पांच है कणों की व्यवस्था। देखिएगा कणों की व्यवस्था के आधार पर जो क्रिस्टली ठोस होते हैं वो लघु परासी होते हैं और जो आकृष्टली ठोस होते हैं ये लघु परासी होते हैं। इसका मतलब है देखिएगा कि यहाँ पर जो क्रिस्टली ठोस होते हैं जैसे कि तुम्हारा एक कमरा है, अगर हम उसकी दीवार बनाते हैं तो उसमें क्या होता है ईंटों को एक निश्चित आर्डर में लगाते हैं तब एक दीवार बनती है। अगर हम ईंटों को निश्चित आर्डर में नहीं लगाएंगे तो हमारी दीवार नहीं बन पाएगी। तो यहाँ क्या होता है जो क्रिस्टली ठोस होते हैं उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक निश्चित आर्डर में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनकी जो यहाँ पर संरचना होती है वो लॉन्ग हो जाती है, लंबी संरचना बनेगी। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि जो क्रिस्टली ठोस में कणों की जो व्यवस्था होती है वो दीर्घ परासी होती है, मतलब कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है। और जो अक्रिस्टली ठोस होते हैं इसमें कणों की जो व्यवस्था होती है वो छोटी होती है, इसको बोला जाता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, अब इसमें अगली प्रॉपर्टी है वो है दैसिकता। अगली जो प्रॉपर्टी है वो दैसिकता। देखिए दैसिकता के बेस पर जो क्रिस्टली ठोस होते हैं ये विषम दैसिक होते हैं, विषम दैसिक होते हैं। और जो आकृष्टली ठोस होते हैं ये समदैसिक होते हैं, समदैसिक होते हैं। अब इसको मैं बताऊंगा। इसमें देखिएगा विषम दैसिक का मतलब है, अब इसमें भी हमें सोडियम क्लोराइड का ही स्ट्रक्चर समझना है। देखिएगा सोडियम क्लोराइड NaCl, तो इसमें जो आयंस होते हैं उनका अरेंजमेंट होता है Na+ Cl नेगेटिव, Na+ Cl नेगेटिव और Cl नेगेटिव, Na+ Cl नेगेटिव, Na+ और यहां पर आएगा Na+
Cl नेगेटिव Na प्लस Cl नेगेटिव, फिर आएगा Cl नेगेटिव Na प्लस Cl नेगेटिव Na प्लस। ये सोडियम क्लोराइड की संरचना है। अगर इस संरचना में मैं यहां से इसको देखना शुरू करता हूं, इस साइड में देखू यहां से, तो क्या होता है कि एक तरफ इसमें NaCl है, देखिए Na है, Cl भी है, Na है, Cl भी है, इस साइड में भी Na है, Cl है, Na है, Cl है। लेकिन अगर मैं इसी संरचना को इस तरीके से देखूं, जैसे कि यहां पर इसको मैं बना दूं, यहां से इस तरीके से बना दूं, यहां पर इस डायरेक्शन से देखूं, देखिए इस डायरेक्शन से देख रहा हूं, तो यहां पर एक Cl मिल रहा है, एक Na मिल रहा है, दोनों डायरेक्शन। अब अगर मैं यहां से इसको देखता हूं तो देखिए क्या होता है कि एक तरफ सारे सोडियम हमें दिखाई दे रहे हैं और एक तरफ सारे Cl दिखाई दे रहे हैं। तो हमें इस संरचना से क्लियर हुआ है कि यहां पर हमें अलग अलग दिशाओं से देखने पर अलग अलग आयन्स प्राप्त होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्रिस्टली ठोस में अलग अलग डायरेक्शन से देखने पर इसके जो भौतिक गुणधर्म होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। अब जो आकृष्टली ठोस है इसमें क्या होता है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी जो संरचना होती है वो मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अरेंज होते हैं, कोई इनका एक क्रम नहीं होता। जिस तरीके से मान लीजिएगा एक भीड़ है, भीड़ में चाहे हम इधर से देखें चाहे इधर से देखें, मतलब कोई किसी भी डायरेक्शन से देखें वो हमें भीड़ ही दिखाई देगी, उसमें मॉलिक्यूल्स हमें एक जैसे ही दिखाई देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो आकृष्टली ठोस होते हैं वो समदैशिक होते हैं, मतलब कि किसी भी डायरेक्शन से देखें मॉलिक्यूल समान ही दिखाई देते हैं, और जो क्रिस्टली ठोस होता है इसमें अलग अलग डायरेक्शन से देखते हैं तो अलग अलग हमें आयंस दिखते हैं। ठीक है।